रख के माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार। नहीं तो फिर खेतों से एक आह उठेगी, राजा मरेगा प्रजा मरेगी, पड़ेगा धरती पे हाय अकाल, अरे माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो। लखनऊ का ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और यहाँ पर पीछे आप मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं, दूर में आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये टोल टैक्स गेट बना हुआ है और यहाँ पर काफी संख्या में भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति और टिकैत के यहाँ पर जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो यहाँ काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँच चुके हैं और मौके पर एडिशनल एसपी व एसडीएम भी यहाँ मौके पर मौजूद है, काफ़ी फोर्स भी मौजूद है। और मैं चाहता हूँ मेरे साथ कैमरामैन मेरे साथ धीरे धीरे आते रहें, मैं इधर दिखा भी रहा हूँ जहाँ पर वार्ता का जो है वो बातचीत होने की संभावना है, किसान नेताओं से बात करेंगे जो यहाँ के ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं और मैं पूरी ये रिपोर्ट आपको आगे तक दिखा। वरिष्ठ अधिकारी हमारे बीच में, तो सर पूरा नाम जानेंगे आपका? मैं ज्ञानंजय सिंह हूँ, एसपी सिटी हूँ यहाँ बहराइच में जी। और यहाँ टोल प्लाजा पे भी किसानों ने तो उनका कार्यक्रम था समाप्त हो गया, इन्होंने ज्ञापन दिया है जी। और ये सपोर्ट कर रहे हैं जो तीन बिल पास हुए हैं तो उनका विरोध करने वाले किसान वहाँ दिल्ली के आस पास जी, उन लोगों को समर्थन देने के नाते यहाँ पर लगन लाज नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, पूरे तरीके शांति रहा कहीं कोई ऐसी बात? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी यातायात के बाधा के फ्री किया गया काफ़ी देर तक, तो क्या कहना चाहेंगे सर? ये सर हमारे जो किसानों के खिलाफ तीन काले कानून जो कोरोना काल में सरकार के द्वारा बनाए हैं उसका राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नरेश टिकैत जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजवीर सिंह यादव जी के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार आज पूरे देश का टोल प्लाजा फ्री करने का हमारा आंदोलन का क्रम है और उस क्रम में आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। टोल पूरी तरह से फ्री करवा दिया गया है, आगे भी अब अभी तो शुरुआत हुआ है, एक घंटे दो घंटे तक हम यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद टोल फ्री करवा दिया गया है, गाड़ियाँ आती जाती रहेंगी, वहाँ पे जो उनके प्रशासनिक अधिकारी थे सब लोगों से बात हुई है और हमारा ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा जब तक ये देश की सत्ता में बैठी सरकार किसानों की आवाज़ को समझने का काम नहीं। आंदोलन 26 नवंबर से जो कार्यक्रम चल रहा है जी, ये किसान के हित की जो मांग चल रही है जी, ये बिल वापस किए जाएं, इस पे जो हमारे टिकैत जी लड़ाई लड़ रहे हैं उस पे जो उनका आदेश होता है उस पे हम लोग यहाँ पालन करते हैं। आज जो ये टोल प्लाजा फ्री कराने का कार्यक्रम था इस पे हमारे मंडल अध्यक्ष सब लोग मिल करके ये कार्यक्रम को सफल बनाया गया है और इस समय भी टोल फ्री चल रहा है और इसी तरीके से जो जो हम लोग को आदेश होता जाएगा वैसे हम लोग। और सभी लोगों ने मिल के आंदोलन किया काफ़ी देर, टोल टैक्स फ्री है और चल भी रहा है फ्री, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे जो कोई तो भी संगठन हो जी, लेकिन हम सब किसान ही जी, हम लोग एक दूसरे एक होकर हम संगठन की बात करते हैं और एक रहेंगे जी। और जो कार्यक्रम टोल फ्री का चल रहा है जी, इसमें हम लोग सहयोग करेंगे और बराबर टोल फ्री हो गया है, फ्री भी हो गया और आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे जी। बिल्कुल, कहीं भी गम खाने की जरूरत क्या नहीं पड़ेगी, यानी लड़ाई लड़ते रहेंगे आप जब तक जो है तीन बिल वापस नहीं होंगे तब तक लड़ाई चलती रहेगी। बिल्कुल चलती, प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय। इस वक्त आप तस्वीरों में बहराइच के एडिशनल एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह के वाहन को आप देख रहे हैं और काफी संख्या में फोर्स भी इस वक्त टोल प्लाजा जो कैसरगंज से थोड़ा आगे बढ़ने पर मिलता है आप देख रहे हैं। भाकियू जनशक्ति के राष्ट्रीय महासचिव चंद्रभान सिंह की तस्वीरों को आप देख रहे हैं और इधर आप देख रहे हैं काफी संख्या में फोर्स यहां मौजूद है कि किसान किसी भी तरीके से टोल प्लाजा को फ्री ना कर पाए। आप एसडीएम के वाहन को देख रहे हैं और ये सामने मैं पिक्चरों में टोल प्लाजा की तस्वीरों को मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत व जनशक्ति के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं और वो यहां पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। मैं थोड़ा, ये लखनऊ को जाने वाली रोड है, आप देख रहे हैं एसडीएम के वाहन को, ये एसडीएम के ड्राइवर को आप देख रहे हैं जो वाहन में बैठे हुए हैं और इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी संख्या में फोर्स भी मौजूद है। उसके बाद अब आप टिकैत के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा, आवेश अहमद जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं जरवल से,
इनकी तस्वीरों को देख रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर किसान नेता भाक्यू टिकै संगठन जिंदाबाद, और चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो की नारेबाजी कर रहे हैं दोस्तों। आप ये सभी तस्वीरें टोल प्लाजा के पास से देख रहे हैं, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं। दूसरी तरफ मैं आपको अब दिखा रहा हूँ भाक्यू जनशक्ति के रजीउद्दीन बच्चन, जो प्रदेश महासचिव है, उनकी तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जो बीच में नीला कोट पहने खड़े हुए। मैं थोड़ा नजदीक ले जा करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जनशक्ति भाक्यू का संगठन है जो नारेबाजी भी कर रहे हैं, और ये भी टोल प्लाजा को फ्री कराने के लिए आज यहाँ पूरे संगठन के साथ मौजूद है। और अब आप देख रहे हैं देवी पाटन मंडल गोंडा भाक्यू जनशक्ति के मंडल अध्यक्ष यहाँ पहुंच चुके हैं, और वो सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं महेश कुमार कैथल, जो एसडीएम कैसरगंज है, वो यहाँ पर किसानों से बात कर रहे हैं, किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन किसान कहाँ मानने वाले थे, रंजना चौहान की तस्वीरों को आपने देखा, और किसान पूरी तरीके से यहाँ पर लाठी लेकर के भी आए हैं, और आज लग रहा है अधिकारियों से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। चंद्रभान सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनकी तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जो सामने यहाँ मौके पर अपने सैकड़ों भाक्यू संगठन के कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचे हैं, और किसान यहाँ पर जोरदार तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। और अब आपको टोल प्लाजा की तस्वीरों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसानों ने यहाँ टोल प्लाजा को लगभग एक घंटे तक यहाँ फ्री करा दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर वाहन जो है वो निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं सामने एक कार जा रही, आप देख रहे हैं सामने कार जा रही जो बगैर टोल प्लाजा दिए हुए, ये इस वक्त टोल प्लाजा से गुजर चुकी। किसान यूनियन भाक्यू जनशक्ति व टिकैत के सैकड़ों की संख्या में किसानों ने जम करके यहाँ पर नारेबाजी की और कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। ये सभी रिपोर्ट जनपद बहराइच उत्तर प्रदेश से आप देख रहे हैं दोस्तों।